नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जनरल एसटी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे दोस्तों बिहार बीएड एग्जाम, यानी बिहार बीएड का एग्जाम जो अब आगे होने वाला है दोस्तों, उसी से रिलेटेड हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हिंदी का आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लाए हैं जो कि बीएड बिहार बीएड के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम गवाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? क्या है सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है, ये बताना है आपको। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ए में है सूर्योजोर दय, बी में है सूर्योजोर सूर्यजोर उदय, सी में है सूर्योजोर उदय, डी में है सूर्योजोर उदय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों आप लोग से इतना रिक्वेस्ट है कि जितना भी हम क्वेश्चन पूछेंगे वन से लेकर लास्ट तक आप लोग को बताएंगे, उसका आंसर भी बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। साथ ही ये कहना चाहेंगे दोस्तों कि फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक जितने भी प्रश्न हम बताएंगे उसका आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दीजिए दोस्तों। उसके लिए आपको 2 से 3 सेकेंड का समय दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। उस 2 से 3 सेकेंड में आप अपना राइट आंसर बताइएगा दोस्तों, और साथ ही लास्ट में वीडियो के स्कोरिंग वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोरिंग भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्योर उदय, यानी सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? सूर्योर उदय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? राइट होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों परीक्षा में कि बीएड का जो एग्जाम होगा उसके दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से जरूर देखें। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बिहार बीएड का जो एंट्रेंस का एग्जाम हुआ इससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाने का चांस है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या है? यहाँ विच्छेद होगा दोस्तों, थोड़ा यहाँ मिस टाइपिंग हो गया है, यानी यहाँ क्या होगा व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या है? यहाँ विच्छेद होगा दोस्तों, यहाँ थोड़ा गलत लिखा गया है टाइपिंग में मिस्टेक के कारण। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, तो बताइए इस चार ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? ए में है व्यय जोर अर्थ, बी में है व जोर अर्थ, सी में है वी जोर अर्थ, डी में है व्यय जोर अर्थ। तो क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी जोर अर्थ, यानी व्यर्थ का संधि विच्छेद वी जोर अर्थ होगा दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा दोस्तों? राइट होगा। साथ ही यह कहना चाहेंगे दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने लास्ट के वीडियो के लास्ट में आप लोग अपना स्कोरिंग भी साझा कीजिएगा। इससे ये आपको फायदा मिलेगा दोस्तों कि आपका अपने तैयारी को आप आंक पाइएगा कि मेरा तैयारी क्या है, तैयारी को आप देख पाइएगा, अपना तैयारी खुद का अनुभव कर पाइएगा कि हम मेरा तैयारी कितना है, और अपने तैयारी को बचे खुचे दिन यानी 1 से 2 दिन अब बचा है आप लोगों के पास समय, तो उस इतने ही दिन में आप अपनी तैयारी को और अच्छी तरीका से कर पाएंगे दोस्तों। तो आप लोग जरूर से जरूर प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा दोस्तों, और आप एग्जाम जाइएगा देने तो एग्जाम को अच्छी तरह से देकर आप आइएगा, और एग्जाम भी आपका क्या होगा अच्छा जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल जब ही ज्यों ही हाई होगा, ज्यों ही आपका स्कोरिंग इसमें अच्छा आएगा दोस्तों, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और एग्जाम क्या कर पाएंगे आप अच्छी तरीका से दे पाएंगे और आपका परसेंटेज एग्जाम में अच्छा आएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्गत का संधि विच्छेद क्या है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अंतर्गत का संधि विच्छेद। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है अंतःजोरगत, बी में है अंतर्जोरगत, सी में है अंतःजोरगत, डी में है अंतःजोरगत। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों इसका बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःजोरगत, यानी क्या होगा अंतर्गत का संधि विच्छेद अंतःजोरगत, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, यानी अंतःजोरगत क्या होगा अंतर्गत का संधि विच्छेद होगा।
चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नारायण का संधि विच्छेद क्या है, यानी नारायण जो है उसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, ये बताना है आपको। इसके लिए चार ऑप्शन मिलते हैं आपको। ए में है नरजोर आयन, बी में है नारजोर आयन, सी में है नारजोर अयन, डी में है नारजोर अयन। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा नारजोर अयन, यानी नारायण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नारजोर अयन। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट, यानी नारायण का संधि विच्छेद नारजोर अयन होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नायक का संधि विच्छेद क्या होता है, क्या है नायक का संधि विच्छेद क्या होता है। तो नायक का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, बताइए आप लोग। इस वीडियो में हमने जो लिया है प्रश्न दोस्तों, पहले पूछा गया प्रश्न है और हमने पहले ऐसा ऐसा संधि विच्छेद को छांटा है जो प्रत्येक बार पूछा गया है, इसीलिए आप लोग को संधि विच्छेद शुरू में देखने को मिल रहा है। शुरू में संधि विच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन ही लिए हैं और आगे में कुछ दूसरा टाइप का भी क्वेश्चन है दोस्तों, समाज से भी रिलेटेड है, जो पूछा गया प्रश्न है वही क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन संधि विच्छेद को क्या किए एक जगह कर दिए हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से जरूर देखिए दोस्तों। तो बोलिए नायक का संधि विच्छेद क्या है। ए में है नाजोर अक, बी में है नौजोर अक, सी में है नेजोर अक, डी में है नेजोर अक। तो क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेजोर अक, यानी नायक का संधि विच्छेद नेजोर अक होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति जो है शब्द उसमें कौन सा समास है दोस्तों, ये बताना है आपको। ए में है कर्मधारय, बी में है तत्पुरुष, सी में है द्वंद समास, डी में है अव्ययी बहु समास। तो कौन सा समास है दोस्तों यथाशक्ति में, बताइए आप लोग। तो यथाशक्ति में जो समास है दोस्तों अव्ययी बहु समास है। कौन सा है, अव्ययी बहु, यानी यथाशक्ति में अव्ययी बहु समास है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा। दोस्तों इसी तरह लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल जनरल स्टडी ग्रुप को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही यह कहना चाहेंगे दोस्तों, आप यदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो इस चैनल के माध्यम से पाइए दोस्तों। किसी भी तरह का प्रैक्टिस सेट, किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है, यानी त्रिभुज शब्द जो है उसमें कौन सा समास है दोस्तों, बताइए आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। ए में है षष्ठी तत्पुरुष समास, बी में है दुग्गु, सी में है मध्यम पद लोपी, डी में है अलुक। तो त्रिभुज जो है उसमें कौन सा समास है दोस्तों, सेवन नंबर बताइए आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका होगा द्विगु समास, यानी त्रिभुज शब्द में द्विगु समास है। कौन सा समास है, द्विगु, यानी द्विगु का परिभाषा होता है जिस शब्द में संख्यावाचक संख्या सूचक वर्ड हो, यानी प्रथम पद क्या हो संख्या सूचक हो। यहाँ देखिए द्विगु द्वि है शुरू में, तो क्या होगा त्रिभुज, देखिए त्रिभुज में त्रि यानी तीन लगा हुआ है, तो इसका क्या होगा तीन, यानी क्या बोले थे संख्या सूचक प्रथम पद क्या होना चाहिए संख्या सूचक हो, वो क्या होगा द्विगु समास होगा। तो यहाँ क्या होगा त्रि है, त्रि मतलब तीन, त्रिभुज, त्रिभुज शब्द में कौन समास होगा द्विगु समास होगा, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देशभक्त में कौन सा समास है, बताइए आप लोग। ए में है षष्ठी षष्ठी तत्पुरुष, बी में है द्वंद, सी में है बहुव्रीहि, डी में है अव्ययी भव। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा देशभक्त में जो समास है वो है षष्ठी तत्पुरुष है। क्यों ना है दोस्तों षष्ठी तत्पुरुष, इसको तत्पुरुष भी कह सकते हैं। देशभक्त में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं, तत्पुरुष समास है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है, बताइए आप लोग। इसके लिए चार ऑप्शन मिलते हैं आपको। ए में है द्विगु, बी में है अव्ययी भव, सी में है बहुव्रीहि, डी में है तत्पुरुष। तो क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, बताइए इसका।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का बहुभिरी यानी चतुर्भुज शब्द में जो है कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुभिरी समास, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरा राइट होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही बरा शब्द में कौन सा समास है, यानी दही बरा शब्द जो है उसमें कौन सा समास है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो ए में है सप्तमी तत्पुरुष, बी में है द्विगु, सी में है मध्यम पद लोपी, डी में है अलूक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए आप लोग। तो दही बरा शब्द में जो है दोस्तों यहाँ कुछ टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी में होना चाहिए होगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा, कर्म धाराय समास, क्या होगा दोस्तों कर्म धाराय, कर्म धाराय समास, यानी दही बड़ा शब्द में कर्म धाराय समास है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरा राइट है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा कर्म धाराय समास, यानी दही बड़ा में कौन सा समास है कर्म धाराय समास है। यहाँ कुछ टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीय भाव समास का उदाहरण नहीं है, यानी चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है आपको इसमें से जो है कौन सा अव्ययीय भाव समास का उदाहरण नहीं है। ए में है यथाशक्ति, बी में है बेमतलब, सी में है प्रतिवर्ष, डी में है लोकप्रिय। तो क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकप्रिय, यानी निम्नलिखित में जो है लोकप्रिय अव्ययीय भाव समास का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्न शब्दों में कौन कर्म धाराय समास का उदाहरण है, यानी चार ऑप्शन दिए गए हैं इसके लिए, इसमें बताना है आपको इस शब्द में से कौन सा कर्म धाराय समास का उदाहरण है। ए में है यथोचित, बी में है परम कुटीर, सी में है दोपहर, डी में है विद्यालय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्ण कुटीर, क्या होगा पर्ण कुटीर, यानी पर्ण कुटीर शब्दों में कर्म धाराय समास का उदाहरण है, यानी पर्ण कुटीर शब्द जो है वो क्या है वो कर्म धाराय समास का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न शब्दों में कौन द्विगु समास है, यानी चार ऑप्शन दिए गए हैं इसके लिए, इसमें से कौन सा द्विगु समास है ये बताना है आपको। ए में है सत सही, बी में है हानि लाभ, सी में है दीनानाथ, डी में है लोह पुरुष। तो क्या होगा राइट आंसर दोस्तों इसका, इसका राइट आंसर होगा सत सही, यानी द्विगु में क्या बोले थे जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, सत सत मतलब यहां सत मतलब क्या होगा दोस्तों सात होगा, सत सही सात सात सही। तो यानी निम्न शब्दों में कौन द्विगु समास है, तो सत सही क्या है द्विगु समास है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन द्विगु समास नहीं है, यानी इसमें से बताना है आपको द्विगु समास कौन सा इसमें नहीं है। तो इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए आप लोग कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चतुर्भुज, यानी निम्न में से कौन सा द्विगु समास नहीं है चतुर्भुज, यानी चतु है फर्स्ट पद क्या है प्रथम पद चतु, चतु मतलब कोई संख्यावाचक नहीं आ रहा है। देखिए त्रिलोक, त्रि मतलब तीन, नव नव मतलब नौ, फिर नव नव मतलब नौ, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा चतुर्भुज। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरा राइट होगा दोस्तों, यानी चतुर्भुज जो है द्विगु समास नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन द्वंद समास का उदाहरण नहीं है, तो बताइए आप लोग। ए में है पाप पुण्य, बी में है देश विदेश, सी में है धर्म भ्रष्ट, डी में है राग द्वेष। यानी द्वंद समास का अर्थ होता है दोस्तों, द्वंद समास का कुछ जान लेते हैं परिभाषा से डिफिनेशन से। द्वंद समास उसे कहेंगे दोस्तों जिसका दोनों पद क्या होना चाहिए प्रधान होना चाहिए, उसे हम द्वंद समास कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा द्वंद समास का उदाहरण कौन सा नहीं होगा दोस्तों बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा धर्म भ्रष्ट, क्या होगा धर्म भ्रष्ट। देखिए पाप पुण्य दोनों पद क्या है प्रधान है, पाप और पुण्य, देश विदेश दोनों पद प्रधान है, राग द्वेष राग और द्वेष दोनों पद प्रधान है, धर्म भ्रष्ट में दोनों पद प्रधान नहीं है, इसीलिए
द्वंद समास का उदाहरण धर्म ध्वस्त नहीं है। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा राइट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यतः उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, उपसर्ग जो होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बताइए दोस्तों आप लोग। इसके लिए चार ऑप्शन मिलते हैं आपको, ए में है दो, बी में है चार, सी में है तीन, डी में है पांच। तो क्या होगा राइट आंसर दोस्तों इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन, यानी उपसर्ग मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा राइट होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को क्या कह सकते हैं दोस्तों, ए में है अंत्य प्रत्यय, बी में है आदि प्रत्यय, सी में है मध्य प्रत्यय, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा राइट आंसर दोस्तों बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदि प्रत्यय, क्या हो जाएगा आदि प्रत्यय, यानी उपसर्ग को हम आदि प्रत्यय भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्या हो गया राइट हो गया। दोस्तों यदि आपको बीएड से रिलेटेड किसी प्रकार का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट चाहिए, और साथ ही आपके पास कोई क्वेश्चन है बीएड से रिलेटेड, आप प्रैक्टिस सेट बनाते हैं कोई क्वेश्चन है तो आप हमें जरूर से जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, और साथ ही हमें कॉमेंट करके ही बता सकते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी हमें शेयर कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर हमारी जनरल स्टडी ग्रुप की ओर से आपको मिलेगा। और किसी भी चीज का आप तैयारी करते हैं तो आपका सहायता करने के लिए हमारा चैनल सदैव आप तत्पर है दोस्तों। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप जरूर से जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और साथ ही हम आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों, आप बीएड का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप जरूर से जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उपसर्ग शब्द की उत्पत्ति व्युत्पत्ति है, यानी उपसर्ग शब्द जो है उसका व्युत्पत्ति है, व्युत्पत्ति क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। चार ऑप्शन है इसके लिए, ए में है उपसर्ग प्लस ग, बी में है उप प्लस सर्ग, सी में है उप ऊ जोर पसर्ग, डी में है उपस जोर गर। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों बताइए आप लोग 18 नंबर का कमेंट करके हमें जरूर से जरूर बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति जो है क्या हो जाएगा उपजोर सर्ग होगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा मेरा राइट होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग के नहीं किए जा सकते हैं, यानी उपसर्ग को हम क्या नहीं कर सकते हैं दोस्तों, इसके लिए चार ऑप्शन मिलते हैं आपको बताइए आप लोग। ए में है खंड, बी में है सार्थक खंड, सी में है निरर्थक खंड, डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपसर्ग के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं, क्या नहीं किया जा सकते हैं सार्थक खंड, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरा राइट होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, उपसर्ग का जो प्रयोग होता है दोस्तों वो कहाँ होता है। इसके लिए चार ऑप्शन है आपके पास, ए में है शब्द के आदि में, बी में है शब्द के मध्य में, सी में है शब्द के अंत में, डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्द के आदि में, यानी शब्द के शुरू में हम क्या करते हैं उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी जो शब्द के अंत में जुड़ेगा और उसके अर्थ या भाव को बदल देगा यानी परिवर्तन कर देगा उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों। इसके लिए चार ऑप्शन है, ए में है समास, बी में है अवयव, सी में है उपसर्ग, डी में है प्रत्यय। तो क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा 21 का, तो उसे हम क्या कह सकते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं दोस्तों, जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव को बदल दे उसे क्या कहेंगे प्रत्यय कहेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा मेरा राइट होगा, क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, कृत प्रत्यय जो होता है वो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं ये बताना है दोस्तों आपको। इसके लिए चार ऑप्शन है आपके पास, ए में है संज्ञा, बी में है सर्वनाम,
सी में है विश्लेषण, डी में है क्रिया, क्या होगा राइट आंसर दोस्तों बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया, यानी कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं दोस्तों, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पद एक प्रत्यय से नहीं बनना है, यानी कौन सा पद जो है एक प्रत्यय से नहीं बना है ये बताना है आपको। इसके लिए चार ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों, ए में है देविक, बी में है सामाजिक, सी में है भौमिक, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा राइट आंसर दोस्तों इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, यानी देविक सामाजिक भौमिक जो है एक प्रत्यय से नहीं बना है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। यानी ऑप्शन जो दिया गया है, तीन ऑप्शन है, तीन में से कोई जो है एक प्रत्यय से नहीं बना हुआ है और लास्ट में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग किया जाता है, बताइए आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। इसके लिए चार ऑप्शन है आपके सामने, ए में है आंग, बी में है इत, सी में है आ, डी में है ई, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आ, यानी अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, आ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सनसनाइट में कौन सा प्रत्यय है, सनसनाइट शब्द जो है उसमें कौन सा प्रत्यय है दोस्तों ये बताना है आपको। ए में है सन, बी में सनसन, सी में हट, डी में आहट, क्या होगा राइट आंसर दोस्तों बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आहट, यानी सनसनाइट में सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आहट। यहाँ सनसनाहट होगा दोस्तों, यहाँ कुछ टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी दोस्तों, यहाँ हो होगा ई लिखा गया उसके जगह, इसके लिए सॉरी। तो क्या हो जाएगा, सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों, तो सनसनाहट में जो प्रत्यय होगा कौन सा होगा, आहट होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा। ये दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास रस का अस्थाई भाव है, यानी हास रस जो है उसका अस्थाई भाव क्या है दोस्तों ये बताना है आपको। इसके लिए चार ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों, ए में है शोक, बी में है उत्साह, सी में है रति, डी में हास, क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा, हास रस का स्थायी भाव हास है, क्या है दोस्तों, हास है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा मेरा, राइट होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की, वात्सल्य रस जो है उसका सर्वप्रथम चर्चा किसने किया था दोस्तों बताइए आपको। चार मिलते हैं ऑप्शन, ए में है भरत, बी में है मम्मट, सी में है अभिनव गुप्त, डी में है विश्वनाथ, विश्वनाथ क्या होगा जाएगा राइट आंसर दोस्तों इसका, 27 का क्या हो जाएगा, अभिनव गुप्त, यानी वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा अभिनव गुप्त ने किया था, किसने किया था, अभिनव गुप्त ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरा, राइट होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शोक किस रस का अस्थायी भव है, यानी शोक जो है वो किस रस का अस्थायी भव है ये बताइए आप लोग। इसके लिए चार ऑप्शन मिलते हैं आपको, ए में है शांत, बी में है करुण, डी सी में है हास, डी में है वीर, क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों बताइए। आपके सामने चार ऑप्शन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करुण, यानी शोक जो है वो करुण रस का स्थायी भव है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरा, राइट होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह किस रस का स्थायी भव है, उत्साह जो है किस रस का स्थायी भव है। इसके लिए चार ऑप्शन मिलते हैं, ए में है करुण, बी में है वीर, सी में है हास, डी में है सिंगार, क्या होगा राइट आंसर दोस्तों बताइए जरूर से जरूर कमेंट करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरा, राइट होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंगार रस का अस्थायी भव है, यानी सिंगार रस जो है उसका अस्थायी भव क्या है दोस्तों ये बताना है आपको। इसके लिए चार ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों आपको, ए में है हास, बी में है रति, सी में है करोर, डी में है उत्साह, बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रति, यानी सिंगार रस का अस्थायी भव रति होता है दोस्तों। दोस्तों आप लोग, आपने जो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखा उसमें आपको कितना स्कोरिंग आ रहा है वो हमें जरूर से जरूर शेयर कीजिए। और साथ ही यह कहना चाहेंगे दोस्तों, आपके पास आपको कौन सा बीएड का प्रैक्टिस सेट चाहिए आप हमें जल्द से जल्द कमेंट करके, जितना जल्द हो सके जितना जल्द से जल्द चाहिए आपको प्रैक्टिस सेट जिस चीज़ का, या कोई क्वेश्चन आपको आपके पास है जो
एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप हमें जरूर से जरूर शेयर कीजिए, हम उसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन देंगे दोस्तों। तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि टाइम अब नहीं है, इसलिए हम लोग अब काम जो है थोड़ा फास्ट में तेजी से करना चालू कर देंगे, और आप लोग के लिए जनरल स्टडी ग्रुप सदैव तत्पर है दोस्तों। तो आप लोग जरूर से जरूर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, और साथ ही यह बताइएगा कि आप लोग को कौन सा प्रैक्टिस सेट चाहिए बीएड से रिलेटेड, क्योंकि अब समय नहीं है दोस्तों, अब दो से दो दिन बचा है समय, सिर्फ एक से दो दिन यही बहुत है तैयारी करने के लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन के वीडियो के लास्ट में हम एक प्रश्न पूछते हैं, तो आज का हम प्रश्न देख लेते हैं क्या है आज का मेरा प्रश्न। आज का प्रश्न है दोस्तों, कोई भी छंद विभक्त रहता है, ए में है यति में, बी में है चरणों में, सी में है ए और बी दोनों में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है, साथ ही अपना स्कोरिंग भी देना है, साथ ही आपको यह भी बताना है कि आपका क्वेश्चन आज का क्या है, जो आपको आप जो बीएड का प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा या मैथ का होगा या रीजनिंग का होगा, तो आप हमारे साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, और अपना प्रैक्टिस सेट भी, कौन सा आपको अगला प्रैक्टिस सेट चाहिए वो भी कमेंट करके बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।